First of all, why do we say that we have a low productivity in India? See, for rice, if I say, which is one of the dominant crop of India, we produce around 2,400 to 2,000. हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल इकरा आईएएस में। सो 28 मार्च से लेके 4 अप्रैल का एक हफ्ते का कुछ वीकली करंट अफेयर्स हम यहां पे डिस्कस करेंगे, और जो भी वीकली करंट अफेयर्स हम यहां पे डिस्कस करते हैं उसके सोर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स क्योंकि पूछते हैं, तो सोर्स आप देख सकते हैं द हिंदू से भी हम आर्टिकल्स लेते हैं, इंडियन एक्सप्रेस से, PIB से और कुछ मिसलिनियस वेबसाइट्स हो गई, कुछ करंट अफेयर्स की वर्ल्ड वाइड न्यूज़ हो गई, वो भी हम सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव लॉन्च किया था ताकि टीबी मुक्त भारत का जो हमारा एम है उसे हम अचीव कर सकें। ओके, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव लॉन्च किया है ये है क्या, इसका मकसद क्या है। इट एम्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस इन ट्राइबल पॉपुलेशन। ठीक है, ट्राइबल जनता में, ट्राइबल पॉपुलेशन में टीबी की समस्या को सॉल्व करने का इसका एम है। इनिशियली इसका फोकस होगा 161 डिस्ट्रिक्ट्स में जो कि 18 राज्यों में है। ठीक है, तो ये MCQs में आपसे पूछा जा सकता है, आपको ट्रैप किया जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव इंडिया के सारे राज्य में इंप्लीमेंट किया जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि 18 आइडेंटिफाइड स्टेट्स में 161 जो जिले हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया गया है और वहां पे शुरू में इसका फोकस होगा। इट विल फोकस ऑन वल्नरेबिलिटी मैपिंग, एक्टिव केस फाइंडिंग एंड इट विल आल्सो प्रमोट बिहेवियरल चेंज एट द ग्राउंड लेवल। ठीक है, बिकॉज वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और हमारा जो टीबी मुक्त भारत है, ठीक है, इंडिया ने 2030 की जगह 2025 टारगेट रखा है। ग्लोबल जो डेडलाइन तय की गई है वो 2030 तक टीबी को एलिमिनेट करने की बात की गई है, बट इंडिया ने 2025 तक टीबी एलिमिनेट करने का एक गोल रखा है अंडर द टीबी मुक्त भारत। और इसी टीबी मुक्त भारत के गोल को अचीव करने के लिए ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव हेल्थ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि भारत में लगभग 100 मिलियन से ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, और ये जो ट्राइबल जनता है इट स्प्रेड्स अक्रॉस 705 ट्राइब्स एंड इट अकाउंट्स फॉर 8.6% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। भारत की टोटल जनता का लगभग 8.5% भारत की ट्राइबल जनता है। तो अगर हमें इंडिया एज अ होल टीबी कम करना है तो हमें ट्राइबल्स पे भी ध्यान देना होगा, और ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत वल्नरेबल है। ट्राइबल पॉपुलेशन में टीबी फैलने के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि ये दूर सुदूर एरिया में रहते हैं, रिमोट एरियाज में रहते हैं जहां पे हेल्थ केयर प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होता, इनकी लिविंग कंडीशंस उतनी ज्यादा साफ सुथरी भी नहीं रहती, साथ ही साथ इन्हें प्रॉपरली न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता, लैक ऑफ अवेयरनेस है, इनके पास उतने साधन नहीं है सोशल मीडिया के या फिर टेलीविजन के या फिर रेडियो के कि इन्हें चीजें पता चलती रहे, इस वजह से ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। ठीक है, सो द इनिशिएटिव इसीलिए ये जो लॉन्च किया गया है ये इन एरियाज को फोकस करते हुए किया गया है। लक्षद्वीप एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बडगाम इन जम्मू कश्मीर हैव बीन डिक्लेयर्ड टीबी फ्री ऑन वर्ल्ड टीबी डे 2021। ये भी आपको पता होना चाहिए, जो भी हमारे अचीवमेंट्स हैं ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, 2021 वर्ल्ड टीबी डे के दिन जम्मू कश्मीर के बडगाम डिस्ट्रिक्ट और लक्षद्वीप इन्हें टीबी फ्री डिक्लेयर किया गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज्ड द बजट एलोकेशन फॉर टीबी इन इंडिया फोर फोल्ड इन द लास्ट फाइव ईयर्स। ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो ट्राइबल रिलेटेड हमारे ट्राइबल हेल्थ रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं उनमें से एक है आलेख। ये एक ई न्यूज़लेटर है दैट इज टू बी रिलीज ऑन क्वार्टरली बेसिस। इट विल शो कास द वर्क ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन इंप्रूविंग द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ट्राइबल्स। ठीक है, और एक स्वास्थ्य पोर्टल है जिसका मेन एम है टू प्रोवाइड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद हम चलते हैं अगली खबर की तरफ। अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, द हिंदू से ये खबर ली है मैंने। द IUCN declares African forest elephant as critically endangered and सवाना और बुश एलिफेंट्स एज इंडेंजर्ड। तो आपको इनका IUCN स्टेटस पता होना चाहिए दोस्तों। IUCN स्टेटस आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, ठीक है, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट का IUCN स्टेटस क्या है, सवाना एलिफेंट्स का IUCN स्टेटस क्या है। ये बहुत बार इस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं और मेजर स्टूडेंट्स यहाँ पे होते हैं कंफ्यूज। ठीक है, तो प्रीवियसली IUCN ने दोनों अफ्रीकन एलिफेंट्स को वल्नरेबल कहा था, बट अब IUCN ने दोनों की कैटेगरीज अलग अलग कर दिए।
ठीक है, इट इज आफ्टर जेनेटिक एविडेंस प्रूव्ड कि दोनों अलग स्पीशीज हैं, ठीक है। सो अफ्रीकन एलिफेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि दे आर द लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स ऑन अर्थ, दे आर स्लाइटली लार्जर देन एशियन एलिफेंट्स एंड दे कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर लार्जर ईयर्स। एशियन एलिफेंट्स हैव स्मॉलर ईयर्स, अफ्रीकन एलिफेंट्स हैव लार्जर ईयर्स। द एलिफेंट्स आर मैट्रियार्कल, मतलब कि फीमेल लेड ग्रुप्स में ये रहते हैं। द मैट्रियार्क इज यूजुअली द बिगेस्ट एंड ओल्डेस्ट। एलिफेंट से रिलेटेड यूपीएससी ने प्रीलिम्स में सवाल भी पूछा था। दे आर ऑल्सो द की स्टोन स्पीशीज। की स्टोन स्पीशी वो स्पीशी होती है जो अपने इकोसिस्टम में क्रिटिकल रोल प्ले करता है, जिसे इकोसिस्टम इंजीनियर कहा जाता है, ठीक है। एंड अगर मैं इनकी रेंज की बात करूं, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सवानास ऑफ सब सहारन अफ्रीका एंड द रेन फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका। देर आर टू सब स्पीशीज ऑफ अफ्रीकन एलिफेंट्स, ठीक है। वन इज अफ्रीकन सवाना और बुश एलिफेंट। दे आर लार्जर एनिमल्स दैट रोम द प्लेन्स ऑफ सब सहारन अफ्रीका। इट इज लिस्टेड एज इंडेंजर्ड अंडर द IUCN रेड लिस्ट। एंड देन देर इज अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट विच आर स्मॉलर दैट लिव इन द फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका। इट इज लिस्टेड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड अंडर द IUCN रेड लिस्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए। एशियन एलिफेंट्स की अगर हम बात करें, एशियन एलिफेंट्स का IUCN रेड लिस्ट स्टेटस है इंडेंजर्ड, और साथ ही साथ साइट्स के अपेंडिक्स 1 में भी इन्हें कवर किया गया है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में भी इन्हें प्रोटेक्शन दी गई है। एशियन एलिफेंट जो है वो लार्जेस्ट लैंड मैमल है ऑन द एशियन कॉन्टिनेंट। दे इनहैबिट ड्राई टू वेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड हैबिटेट्स इन 13 रेंज कंट्रीज स्पैनिंग साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूं, दे आर एक्सट्रीमली सोशिएबल। दे फॉर्म ग्रुप ऑफ 6 to 7 रिलेटेड फीमेल्स दैट आर लेड बाय द ओल्डेस्ट फीमेल, जिसे हम मैट्रियार्क कहते हैं। अगर हम इसकी सब स्पीशीज की बात करें, 3 सब स्पीशीज होती हैं, इंडियन, सुमात्रा, श्रीलंकन। द इंडियन हैज द वाइडेस्ट रेंज, इट अकाउंट्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ द रिमेनिंग एलिफेंट्स। इन इंडिया द एशियन एलिफेंट इज फाउंड इन 4 फ्रेगमेंटेड पॉपुलेशंस इन द साउथ, नॉर्थ, सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम अगले खबर की तरफ चलें, निसार सैटेलाइट, ठीक है, नासा एंड इसरो दे आर कोलैबोरेटिंग ऑन डेवलपिंग द निसार सैटेलाइट। वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज। सो निसार इज अ जॉइंट अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन बिटवीन नासा एंड द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। द सैटेलाइट विल बी एबल टू डिटेक्ट द अर्थ सर्फेस मूवमेंट एज स्मॉल एज 0.4 इंचेस ओवर एन एरिया। ये 3 साल का एक मिशन होगा। इट विल स्कैन द ग्लोब इंक्लूडिंग अर्थ लैंड, आइस शीट, सी आइस एटसेट्रा हर 12 दिन में ड्यूरिंग इट्स मिशन, ठीक है। निसार, नासा, इसरो, SAR, SAR मतलब होगा सिंथेटिक एपर्चर रडार। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। बहुत बार पूछा जाता है कि निसार किसका किसका जॉइंट इनिशिएटिव है, ठीक है। सो सिंथेटिक एपर्चर रडार बेसिकली इट रिफर्स टू अ टेक्निक फॉर प्रोड्यूसिंग हाई रेजोल्यूशन इमेजेस बिकॉज ऑफ द प्रिसिशन। द रडार कैन पेनिट्रेट क्लाउड्स एंड डार्कनेस। इट कैन कलेक्ट डेटा डे एंड नाइट इन एनी वेदर। The satellite will be launched in 2022 from the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, India, into a near polar orbit. और इसके मिशन क्या है? मिशन आप यहाँ पे देख सकते हो। Tracking subtle changes in the Earth's surface, spotting warning signs of imminent volcanic eruptions, helping to monitor groundwater supplies, tracking the rate at which ice sheets are melting. Now contributions from NASA and ISRO. The partnership agreement was signed in 2014 and according to this, नासा क्या करेगा? नासा विल बी प्रोवाइडिंग वन ऑफ द रडार्स फॉर द सैटेलाइट, अ हाई रेट कम्युनिकेशन सब सिस्टम फॉर साइंस डेटा, GPS रिसीवर एंड अ पेलोड डेटा सब सिस्टम। ऑन द अदर हैंड इसरो क्या प्रोवाइड करेगा? इट विल प्रोवाइड द स्पेस क्राफ्ट बस, द सेकेंड टाइप ऑफ रडार जिसे एस बैंड रडार कहा जाता है, लॉन्च व्हीकल एंड एसोसिएटेड लॉन्च सर्विसेज, ठीक है। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ द मिशन, द इमेजेस फ्रॉम द सैटेलाइट विल अलाउ द साइंटिस्ट्स to track changes in croplands, hazard sites, etc. It will also help to monitor crises such as volcanic eruptions. तो बहुत सारी मदद होगी, इतना तो तय है। The images will also be able to capture changes in the earth caused by certain activities. For example, drawing drinking water from underground aquifer can leave signs on the surface. और अगर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पानी वहाँ से draw out कर लिया जाता है, the ground will begin to sink. और वैज्ञानिकों को लगता है कि इससे हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, हमारी ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को भी रोका जा सकेगा, ठीक है। सो बहुत सारी चीजें इससे होंगी। अगली खबर की तरफ चलते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर। सो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज की जिसका टाइटल था इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर। इसका पर्पस क्या था?
द रिपोर्ट आउटलाइंस द रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन वेरियस सेगमेंट ऑफ इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर. ठीक है, जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, बेसिकली उसको आउटलाइन किया इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने. इट इंक्लूड्स हॉस्पिटल्स, मेडिकल डिवाइसेज, इक्विपमेंट्स, हेल्थ इंश्योरेंस, टेलीमेडिसिन, होम हेल्थ केयर, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल. अगर मैं इंडिया की हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात करूं तो वो जबरदस्त तरीके से ग्रो हो रही है, जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है. इट इज ग्रोइंग अराउंड कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 22% सिंस 2016 एंड एट दिस रेट इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच $372 बिलियन इन 2022. अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूं, हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो भारत की अगर हम बात करते हैं तो फिफ्थ लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, 4.7 मिलियन पीपल को डायरेक्टली रोजगार देता है. एंड एज पर द एस्टिमेट ऑफ द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हेल्थ केयर कैन जनरेट 2.7 मिलियन एडिशनल जॉब्स इन इंडिया 5 सालों में, आने वाले सालों में. ठीक है, अगर हम एफडीआई की बात करें तो इंडिया की एफडीआई रिजीम हेल्थ केयर सेक्टर में अच्छी खासी हमने लिबरलाइजेशन यहां पे भी प्रोवाइड की हुई है. एफडीआई इज परमिटेड अप टू 100% अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर द हॉस्पिटल सेक्टर एंड मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइसेस. Now talking about the automatic route, the non-resident investor on Indian company does not require prior approval from the government of India for the investment. Again, ये एक बहुत बड़ी छूट है. Pharmaceutical sector की अगर हम बात करें तो इसमें भी FDI 100% permitted है in the greenfield projects. Now for the brownfield projects, it is up to 74% under the automatic route. ठीक है. Now talking about FDI inflows. India's FDI in the healthcare sector has increased considerably over the last few years. It has increased from $94 million in 2011 to $1,275 million in 2016. 13.5 guna, 13.5 times ye bada hai. ठीक है, so आप देख सकते हो clear cut कि किस तरीके से दुनिया भारत के healthcare sector में जो opportunities हैं investment की उसको देख रही है और इस वजह से इतना invest कर रही है. ठीक है, now moving ahead with the next piece of the news, international ranger award. ठीक है, international ranger award की अगर हम बात करते हैं, ये news में इसलिए था because Mahinder Giri, which is a range who is a range officer from Rajaji Tiger Reserve, won the prestigious international ranger award and he is the only ranger from Asia जिन्हें ये award मिला है. ठीक है, recently minister for environment, forest and climate change congratulated the range officer for this particular achievement. अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा अबाउट दिस इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड. ये क्रिएट हुआ था 2020 में. ठीक है, इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय द IUCN वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन, ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड कंजर्वेशन एलायंस. इट एम्स टू हाईलाइट एंड फेलिसिटेट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क ऑफ रेंजर्स इन प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरियाज वर्ल्ड वाइड. आपको पता ही है किस तरीके का मैसिव एफर्ट ये रेंजर्स लगाते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज में, कंजर्व्ड एरियाज में, ताकि इन एरियाज को बचा सकें और कहीं ना कहीं इन एरियाज के कंजर्वेशन का ध्यान रख सकें. इफ आई टॉक अबाउट द वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज, इट इज वन ऑफ द कमीशन ऑफ द IUCN. It was administered by IUCN Global Program on Protected Areas. It has over 2,500 members spanning 140 countries. Okay, it works by helping governments and others to plan protected areas and integrate them into all sectors, providing strategic advice to policy makers, strengthening capacity and investment in protected areas, and convening the diverse constituency of protected area stakeholders to address challenging issues. Now, International Ranger Federation 1992 में इसकी स्थापना हुई थी in the Peak National Park in the UK. It aims to actively promote and support the formation of Ranger Association around the world. It also ensures that the Rangers are adequately supported and represented. Now, if I talk about Conservation Allies, it partners with NGOs working on biodiversity conservation around the globe. Then, if I talk about the Global Wildlife Conservation, ये एक wildlife conservation charity है जो कि Texas, US में located है. Is that clear? Now, next piece of news, Global Gender Gap Report, WEF ने रिलीज किया Global Gender Gap Report 2021. ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट न्यूज है और आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहली बात तो रिलीज कौन करता है. ठीक है, सो WEF पब्लिश करता है ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट हर साल 2006 से, एनुअली WEF इसे पब्लिश करता आया है. ठीक है, द रिपोर्ट रैंक्स 156 countries on their progress towards gender parity in 4 dimensions: economic participation and opportunity, educational attainment, health and survival, political empowerment. Theek hai? If I talk about the findings,
ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट द फाइंडिंग्स ऑफ द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इंडिया की रैंकिंग जो है बेसिकली इट ड्रॉप्ड 28 प्लेसेस, ठीक है, 2020 में इंडिया वॉज रैंक्ड एट 112th प्लेस, नाउ इट हैज ड्रॉप टू 140 अमॉन्ग 156 नेशंस. इंडिया हैज क्लोज्ड 62.5% ऑफ इट्स जेंडर गैप टू डेट. However, the gap increased by 4.2% compared to 2020, और इस वजह से हमारी रैंकिंग 28 places गिरी है, ठीक है. इंडिया इज द थर्ड वर्स्ट परफॉर्मर इन द साउथ एशिया रीजन, मतलब साउथ एशिया रीजन में सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही इंडिया से नीचे हैं, बाकी सब इंडिया से ऊपर हैं. और रीजन क्या है, क्यों डिक्लाइन हुई है, क्यों हम 28 places नीचे गए हैं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ठीक है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कहीं ना कहीं कम हुआ है बिकॉज नंबर ऑफ वुमेन मिनिस्टर्स, अगर हम देखें 2019 से 2021, 2019 में 23.1% महिलाएं थी जो मंत्री थी, 2021 में इट इज ओनली 9.1%, तो यहां पे कमी आई. इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, इट हैज ऑल्सो डिक्लाइन ड्यू टू डिक्रीज इन वुमेन्स लेबर फोर्स, द वुमेन्स एस्टिमेटेड अर्नड इनकम इज ओनली 1/5, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वालिटी दिखती है. अगर हम हेल्थ एंड सर्वाइवल की बात करें, इंडिया रैंक्स अमॉन्ग द बॉटम 5 कंट्रीज, क्योंकि हाई इंसिडेंस ऑफ जेंडर बेस्ड सेक्स सेलेक्टिव प्रैक्टिसेस, ठीक है, देन मोर देन 1 in 4 वुमेन हैज फेस्ड इंटीमेट वायलेंस इन हर लाइफ टाइम, तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है. देन इफ आई टॉक अबाउट एजुकेशनल अटेनमेंट, द जेंडर गैप इन एजुकेशन हैज इंप्रूव्ड इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एजुकेशन, हाउएवर इट स्टिल परसिस्ट इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी, 1/3 ऑफ वुमेन आर इलिटरेट कंपेयर टू 17.6% ऑफ मेन, ठीक है, तो ज्यादातर महिलाएं इलिटरेट हैं, इससे भी ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वालिटी है, ठीक है. नाउ अदर की फाइंडिंग्स अगर हम देखें, इट इज टॉप्ड बाय आइसलैंड, आइसलैंड जो है वो टॉप में है, उसके बाद फिनलैंड, नॉर्वे, अफगानिस्तान लास्ट में है. नेबर्स में बात करें, इंडिया के नेबर्स की बात करें, बांग्लादेश 65, नेपाल 106, पाकिस्तान 153, अफगानिस्तान 156, भूटान 130, श्रीलंका 116. अगर हम बात करते हैं रीजन वाइज, सो साउथ एशिया वॉज द लोएस्ट परफॉर्मर आफ्टर वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका, ओनली भूटान एंड नेपाल हैड शोन प्रोग्रेस टूवर्ड्स जेंडर पैरिटी इन 2021 इन दिस पर्टिकुलर रीजन. पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एज मैनी एज 27 माइग्रेटरी बर्ड्स डाइड ऑन अकाउंट ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा इन द हिमाचल प्रदेश पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है. सो ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, 1975 में क्रिएट हुआ था डैम और इसे 1983 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया. पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोंग डैम रिजर्वायर भी कहा जाता है, पोंग डैम लेक भी कहा जाता है, ठीक है. 1994 में इंडियन गवर्नमेंट ने पोंग डैम लेक को रामसर साइट का दर्जा दिया था, ठीक है. बेसिकली इट बिकेम अ वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, 2002 में ये रामसर साइट बना बाय द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन. इट इज कवर्ड विद ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इट शेल्टर्स अ ग्रेट नंबर ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, द लेक इज फेड बाय द व्यास रिवर एंड इट्स न्यूमरस पेरेनियल ट्रिब्यूटरीज आर गज, न्योगल, बिनवा, बनगाना, बानेर एंड इट होस्ट अराउंड 220 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स बिलोंगिंग टू 54 फैमिलीज, ठीक है. माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम ऑल ओवर हिंदू कुश हिमालयाज एंड ऑल्सो एज फार एज साइबीरिया कम हियर फॉर विंटर, तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है. इज दैट क्लियर? रेयर डिजीजेस, द केयर टेकर्स ऑफ पेशेंट्स विद रेयर डिजीजेस आर नॉट सेटिस्फाइड विद द नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस 2021, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री रिसेंटली रिलीज द पॉलिसी, ठीक है. क्यों भाई, क्यों ऐसा? रेयर डिजीजेस क्या होती है? WHO ने डिफाइन किया है रेयर डिजीज एज अ डिजीज दैट ऑफन हाईली वीकन्स एन इंडिविजुअल, बहुत कम लोगों को यह डिजीज होती है, इस वजह से इसका नाम रेयर डिजीज है, ठीक है. वन या फिर वन और लेस देन वन पर 1,000 पॉपुलेशन, एग्जाम्पल हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल अनीमिया, ऑटो इम्यून डिजीजेस एटसेट्रा. हर कंट्री का अपना डेफिनेशन होता है, हालांकि US डिफाइन करता है इट एज अ डिजीज और कंडीशन दैट अफेक्ट्स फीवर देन 2 lakh पेशेंट्स, ठीक है. यूरोपियन यूनियन डिफाइन करता है रेयर डिजीज एज लाइफ थ्रेटनिंग और क्रॉनिकली डिबिलिटेटिंग कंडीशन, इट शुड अफेक्ट नो मोर देन 5 in 10,000 पीपल, ओके. द नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिजीज
basically it aims to lower the incidence and prevalence of rare diseases based on an integrated and comprehensive preventive strategy. It includes awareness generation, counseling programs, providing affordable health care among others. Key features kya hain? Basically इसमें rare diseases को तीन groups में बांटा गया है. Group 1, disorders amenable to one-time curative treatment. Group 2, diseases requiring long-term or lifelong treatment. And diseases, group 3, that is diseases for which definitive treatment is available, but challenges are there to make an optimal patient selection for benefit. ठीक है. Now if I talk about the government support. The government will provide financial support of up to Rs. 20 lakh under the umbrella scheme of Rashtriya Arogya Nidhi for treatment of those rare diseases listed under Group 1. Beneficiaries for such financial assistance would not be limited to BPL families. About 40% of the population eligible under the Jan Arogya Yojana will also be eligible for assistance. अगर मैं ग्रुप टू की बात करूं, स्टेट गवर्नमेंट कैन कंसिडर सपोर्टिंग स्पेसिफिक पेशेंट्स. इट इंक्लूड्स अ रेयर डिजीज दैट कैन बी मैनेज्ड विद स्पेशल डाइट्स और हार्मोनल सप्लीमेंट्स और अदर रिलेटिवली लो कॉस्ट इंटरवेंशंस. ओके, वॉलंटरी क्राउड फंडिंग. द गवर्नमेंट हैज सेड दैट इट विल असिस्ट इन वॉलंटरी क्राउड फंडिंग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्रुप थ्री. इट इज बिकॉज इट विल बी डिफिकल्ट टू फुल्ली फाइनेंस द ट्रीटमेंट ऑफ हाई कॉस्ट रेयर डिजीजेस ऑफ ग्रुप थ्री. नाउ ऑब्जेक्शंस क्या क्या है. The policy offers no support to patients awaiting treatment since the earlier national policy for treatment of rare diseases 2017 was kept on hold. The policy has left patients with group 3 rare diseases to fend for themselves because group 3 ki ka kharcha jo hai wo zyada hoga and that is the reason ki ye policy unke liye kuch bhi nahi karti. कुछ उनके लिए कोई प्रोविजन नहीं है. ओके, इट हैज एब्सोल्युटली नो कंसिडरेशन फॉर ग्रुप थ्री पेशेंट्स हु रिक्वायर लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट सपोर्ट. अगर आपने यहां पे अच्छे से पढ़ा होगा, ग्रुप थ्री में क्या लिखा हुआ था, मैं यहां पे आपको फिर से बताता हूं. ग्रुप थ्री में डिजीजेस फॉर विच डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज अवेलेबल बट चैलेंजेस आर देयर टू मेक एन ऑप्टिमल पेशेंट सेलेक्शन फॉर बेनिफिट. गॉट द पॉइंट? सो दिस इज द थिंग. लास्ट हमारा जो पीस ऑफ न्यूज है, दैट इज एम प्राइम. अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग इन एसोसिएशन विद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इन्होंने लॉन्च किया है प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स ऑन इनोवेशंस, मार्केट रेडिनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज प्राइम. ओके, इट एम्स एट प्रमोटिंग साइंस बेस्ड डीप टेक्नोलॉजी. फॉर दैट इट विल प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड गाइडेंस ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. इंप्लीमेंट कौन करेगा? वेंचर सेंटर, एक नॉन प्रॉफिट टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है. द प्रोग्राम इज ओपन टू टेक्नोलॉजी डेवलपर्स, अर्ली स्टेज डीप टेक स्टार्टअप, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, क्लिनिशियंस विद स्ट्रॉन्ग साइंस बेस्ड डीप टेक बिजनेस आइडियाज. सीईओज एंड सीनियर इंक्यूबेशन मैनेजर्स ऑफ AIM फंडेड अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स दैट आर सपोर्टिंग डीप टेक एंटरप्रेन्योर्स. बेनिफिट ऑफ द प्रोग्राम, द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द प्रोग्राम विल गेट एक्सेस टू in-depth learning resources via comprehensive lecture series, lifetime projects, exercises, project-specific mentoring, etc. They will also have access to a deep tech startup playbook, curated video library, and plenty of peer-to-peer learning opportunities. Okay, deep technology ki agar main baat karun, they are very high cutting edge and disruptive technologies. These are based on scientific discoveries, engineering, mathematics, physics, and medicine. ठीक है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना कि बेसिकली ये जो आपका प्राइम मिशन है, प्राइम प्रोग्राम है, क्या इसका मकसद है, क्या इसका एम है, एंड ऑल.